नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों के रद्द होने को लेकर। आने वाले कुछ दिनों में अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनें रद्द होने वाली है। ताजा रिपोर्ट को अगर हम माने तो नई रेल सुरंग में चल रहे काम के चलते रेलवे ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, दानापुर से चलने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 10 एक्सप्रेस 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप इन दिनों यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा से पहले ट्रेनों को जरूर चेक कर लें। रेलवे के CPRO एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि शनिवार को 10:20 से शाम के 4:20 तक 6 घंटे के पावर ब्लॉक धरहरा, जमालपुर और बरियारपुर के बीच में अप और डाउन लाइन रहेगा, जबकि जमालपुर और मुंगेर के बीच में 3 घंटे का पावर ब्लॉक रहेगा। इसके कारण ट्रेन संख्या 13/4/19 भागलपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी से खुलेगी। वहीं 23 जनवरी की सुबह 10:25 से शाम के 5:25 तक 7 घंटे का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। हालांकि यह ब्लॉक जमालपुर रतनपुर और रतनपुर बरियारपुर के बीच में होगा। वहीं जमालपुर मुंगेर के बीच में 4 घंटे का ब्लॉक रहेगा। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन संख्या 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ 24 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 2205 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ 25 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 13/4/19 भागलपुर मुजफ्फरपुर जन सेवा एक्सप्रेस 23 से लेकर 27 जनवरी तक रद्द कर दी गई है। 13/0/20 मुजफ्फरपुर भागलपुर जन सेवा एक्सप्रेस 23 से 27 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 13/2/36 दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी 24 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 13/2/35 साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी 24 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 15/5/53 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस 24 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 15/5/54 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस 23 से 27 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 13/2/42 राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी 24 से 26 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। 13/2/41 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 25 से 27 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। वहीं अगर हम पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों में जमालपुर किउल पैसेंजर 22 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ जमालपुर भागलपुर जमालपुर पैसेंजर 22 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ जमालपुर खगड़िया पैसेंजर 22 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। इसके अलावा साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर 24 से 27 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 25 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द की गई है। जमालपुर साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन 24 से 27 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। जमालपुर तिलरथ जमालपुर पैसेंजर 24 से 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जिनका रूट बदला गया है, तो इस दौरान आगामी ट्रेनों की संख्या को अगर हम देख लें तो 23, 24 और 26 जनवरी को विक्रमशिला एक्सप्रेस बांका जर्सिडी किउल होकर चलेगी। इसके साथ ही साथ 23 से 28 जनवरी तक हावड़ा गया एक्सप्रेस आसनसोल किउल होकर चलेगी। वहीं 26 जनवरी को अंग एक्सप्रेस साहिबगंज रामपुरहाट होकर जाएगी, जहां 25 जनवरी को भागलपुर LTT एक्सप्रेस बांका जर्सिडी होकर चलेगी। ऐसे में 22 जनवरी को खुलने वाली अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस झाझा जर्सिडी बांका होकर चलेगी। इसके अलावा 23 और 25 जनवरी को खुलने वाली LTT भागलपुर एक्सप्रेस बांका जर्सिडी होकर चलेगी। साथ ही साथ 27 जनवरी को भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस बांका जर्सिडी होकर चलेगी। अगर आप इन ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं तो, या फिर आपका टिकट है इन ट्रेनों में, तो आप अपना ट्रेन एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों के रूट में जो है बदलाव किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।